दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आकाश, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ग्रीन पर्दा है, मतलब कि ग्रीन स्क्रीन इसी को बोलते हैं। तो जब भी मैं इसमें वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ तो कई बार चेंज हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो दोनों का जो कारण है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा कि क्यों नहीं होता है और क्यों हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्यों नहीं चेंज होता है और एक बार चेंज क्यों हो जाता है काइन मास्टर में। और अगर आपके पास प्रॉपर लाइट सेटअप नहीं है तो फिर आप कैसे वीडियो का बैकग्राउंड को अच्छे प्रकार से चेंज कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक होने वाला आज की इस वीडियो में वो होने वाला है कि हम लोग ग्रीन स्क्रीन में बिना लाइट सेटअप के और लाइट सेटअप के, ये दोनों तरीके से कैसे अच्छे से ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को रिकॉर्ड करें कि बैकग्राउंड हम लोग का अच्छे से इरेज हो जाए, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन है, तो अभी इसी को हम लोग लगाएंगे अभी, फिर आप उसके बाद बताएंगे। उससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड को है रिमूव कर सकते हैं कैसे। तो उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन को लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रीन स्क्रीन है वो पूरा लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर अच्छे से बैकग्राउंड चेंज करना है तो कि जो है हम लोग का कहीं भी लाइट का जो है परछाई नहीं पड़ना चाहिए पीछे, ठीक है। आप लोग जो है उसका पीछे परछाई नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मेरा देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत आगे परछाई पड़ रहा है लेकिन पीछे परछाई नहीं पड़ रहा है। इसका कारण क्या है पीछे परछाई नहीं पड़ने का? देखिए अगर हम यहाँ पर सट जाते हैं ऐसे तो यहाँ पर जो है परछाई देखिए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परछाई बन रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है क्या करते हैं कि शर्ट के एकदम खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं, जो कि आप लोग को नहीं करना है ग्रीन स्क्रीन के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाना है। तो ये हो गया लाइट सेटअप में, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग को अगर लाइट सेटअप नहीं है हम लोग का, तो घर में आप रिकॉर्ड मत कीजिए वीडियो को, ठीक है। आप कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? बाहर में। जब बाहर में आप रिकॉर्ड कीजिएगा तो क्या होगा कि सन का जो रोशनी होता है वो पूरी चारों तरफ हम लोग का आएगा, ठीक है, और हम लोग का फेस में भी आएगा और बैकग्राउंड में भी आएगा। और जब आप थोड़ा सा इससे आगे होके वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एकदम सट के नहीं बनाएंगे, जब थोड़ा सा आगे होके वीडियो को बनाएंगे तो आपका जो ये है परछाई थोड़ा भी नहीं पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो अच्छे से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी लगा सकते हैं। और पहले मैं यही करता था कि जाके इस तरह सट के और हेलो दोस्तों मेरा नाम है आकाश, ये वो, मतलब कि इस तरह का वीडियो बनाता था, ठीक है। अब जैसे आप लोग का एक डाउट और भी हो सकता है कि यहाँ पर कोना तो दिख रहा है तो कैसे चेंज होगा, तो दोस्तों उसको हम लोग काइन मास्टर में क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्रॉप करके आपको जितना साइज चाहिए उस तरह का साइज में आप जो है बना सकते हैं अपने वीडियो को और चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। ये तो मैंने, और लाइट आपको कैसे लगाना है, अगर लाइट सेटअप है आपके पास तो लाइट को इस दोनों तरफ लगाइए और एक लाइट जो है सामने लगाइए, ठीक है, पीछे तरफ नहीं लगाना है, नहीं तो जो कैमरा में मारेगा लाइट तो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन में वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।